वो भी चित्रकूट धाम में पधारे हैं। सर्वप्रथम राम जी जाकर जनक जी महाराज से मिलते हैं, प्रणाम दंडवत करते हैं, उनका आदर सत्कार करके सब बैठ जाते हैं। वहाँ के निवासी कोल भिल्ल वनवासी जो हैं वो कंद मूल फल ला लाकर सबको देते जा रहे हैं और सब कंद मूल फल पाते हैं, दोना में पानी भर भर के ले आते हैं। इस तरह से सबका स्वागत सत्कार करने के बाद भरत जी महाराज को राम जी आदेश देते हैं, वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सारे परिकर समाज को लेकर अयोध्या वापस जाइए और भरत को राज सौंपकर सुख से राज निर्वहन कीजिए। तब भरत जी महाराज नहीं मानते हैं और भगवान के समझाने पर भरत जी एक शर्त पर तैयार हो जाते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जन जीव जतन के। भगवान यदि अपनी चरण पादुकाएं दे दें और भगवान अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को सौंप देते हैं। अब भरत जी की दोनों चरण पादुकाएं, राम जी की दोनों चरण पादुकाएं भरत जी के लिए भगवान के नाम के जैसी हैं और दोनों पादुकाओं को लेकर मांगे वो विदा प्रणाम कर राम लिए और लाए लोग उचाटे अमर पति कुटिल कुओ सर पाए। सब अयोध्यावासी भरत जी विदा मांगकर चलने लगते हैं और जैसे ही चलने को तैयार होते हैं उसी समय इंद्र अपनी कुटिलता दिखाता है और माया रचकर सब को उच्चाटन कर देता है। उच्चाटन एक क्रिया होती है, तंत्र क्रिया होती है जिसमें हमारे सामने हुई हुई जो बातें घटनाएं घटी हैं बातें हुई हैं वो सब भूल जाती हैं और इंद्र ने भी वैसी उच्चाटन क्रिया कर दी। सारी अवधपुर वासियों का मोह भंग हो गया, उनका दुख एक क्षण में दूर हो गया। राम जी से विदा होते हुए नहीं तो यदि उच्चाटन नहीं हुआ होता नतर लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग कुरोगा। जो लोग साथ में आए थे वो राम जी से विरह होते ही अपने प्राण त्याग देते। इसलिए उस उच्चाटन के कारण किसी को उतना दुख नहीं हुआ। सब अवधपुरवासी भरत जी के साथ लौट आते हैं और फिर गोमती नदी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या आ जाते हैं। सई उतर गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए जनक रहे पुरवासर चारी राज काज सब साज संभारी। उनके साथ जनक जी महाराज भी आए हैं और कुछ दिन जनक जी महाराज वहीं रुककर सब राज काज संभालते हैं
और राज सिंहासन पर भरत जी राम जी की चरण पादुकाएं रख देते हैं और भरत जी का नित्य प्रति का फिर नियम हो गया है। भरत जी राजमहल में नहीं रहते, दिन में आकर राज सिंहासन के नीचे बैठते हैं, सिंहासन पे भगवान की पादुकाएं रखी हैं और उन्हीं पादुकाओं के नीचे सिंहासन के नीचे बैठते हैं। सर्वप्रथम आकर उन पादुकाओं का पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद वहीं बैठ जाते हैं, दिन भर राजकाज का कार्य करते हैं। संध्या होते ही नंदी गांव कर परन कुटीरा, नंदी गांव है, नंदी गांव में जाकर एक पर्ण कुटी बनाकर वहीं रहते हैं। और जैसे राम जी ने बलकल वस्त्र पहने हैं, साधुओं जैसे वस्त्र पहने हैं, भरत जी महाराज भी वैसे ही वस्त्र धारण कर लेते हैं। राम जी ने अपने सिर पे जटाएं बनाई थी, भरत जी महाराज भी बरगद का दूध लेकर अपने बालों में लगा लेते हैं और मोटी मोटी जटाएं बना लेते हैं। और जटाएं बनाकर जैसे राम जी रहते हैं वैसे ही भरत जी रहते हैं। अब भरत जी सोचते हैं कि राम जी को वन में पलंग बिस्तर इत्यादि तो मिलते नहीं, पत्तों को बिछाकर घास फूस बिछाकर जमीन पर पृथ्वी पर लेटते हैं। तो भरत जी सोचने लगते हैं कि यदि मेरे प्रभु पृथ्वी पर लेटते हैं नीचे जमीन पर लेटते हैं तो उनकी बराबरी के आसन पर मैं कभी नहीं लेट सकता। तो भरत जी महाराज एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद कर जितने में वे सो सकते थे उतना गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में सोते हैं। उनका वह सोने का आसन, भगवान पृथ्वी पर सोते हैं तो उनके आसन से वो नीचा है। वो नहीं चाहते कि उनके सोने का जो बिस्तर है वो भगवान के बराबर का हो, इसलिए भरत जी महाराज गड्ढा खोद कर उस गड्ढे में सोते हैं, कभी राजमहल में भोजन नहीं करते। कंदमूल फल लाकर वही कंदमूल फल का प्रसाद लगाते हैं और स्वयं भी वही पाते हैं। जटाजूट सिर मुनि पटधारी महखन कुश साथरी सवारी, जटाजूट बनाकर उसी गड्ढे में कुशा की साथरी बिस्तर लगा देते हैं और उसी बिस्तर पर सोते हैं। यही उनका नित्य प्रति का नियम है। प्रातः काल होते ही स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होने के बाद राजमहल जाते हैं, राजमहल में राज सिंहासन पर रखी हुई चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद वहीं राज सिंहासन के नीचे बैठते हैं और संध्या होते ही वापस नंदी गांव आ जाते हैं। इस तरह भरत जी का पावन चरित्र तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, एक दाह दारित दंग दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन मुख करत को, राम सन मुख करत को, राम सन मुख करत को।
श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना हुआ होता तो साधु संतों को ये भी पता नहीं चलता कि क्या नियम होता है, क्या पूजा होती है, क्या साधुता होती है, क्या त्याग होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधुओं मुनियों को भरत जी से ही प्रेरणा लेकर पता चला कि नियम क्या होते हैं, त्याग क्या होता है, तप क्या होता है, व्रत क्या होता है, प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, जितने भी आचरण हैं वो सारे भरत जी के द्वारा पता चले। यदि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो ऋषि मुनियों को ये भी पता नहीं चलता। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहे, सिय राम पद प्रेम अवस होए भव रस विरत। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनते हैं उनको अवश्य श्री सीताराम जी भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है और इस संसार के दुख दारिद्रों से दूर हो जाता है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो भरतलाल जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और अब मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं।